आज का विषय है अच्छाई और बुराई। तो एक कॉलेज थी, उसमें ना जो कॉलेज की क्लास थी उसमें एक विद्यार्थी सत्संगी था। तो एक दिन प्रोफेसर ने पूछा सभी विद्यार्थियों का कि इस संसार में जो कुछ भी है वो किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और सभी ने कहा मतलब हाँ, सब भगवान ने बनाया। तो फिर प्रोफेसर ने पूछा, अच्छाई जब भगवान ने बनाई है तो बुराई भी भगवान ने ही बनाई है? सभी सभी चीज भगवान ने बनाई है, तो अगर अच्छाई भगवान ने बनाई है तो बुराई भी, सभी चीज भगवान ने बनाई है तो फिर बुराई भी भगवान ने बनाया है। तो प्रोफेसर ने इतना कहा तो विद्यार्थी सब ने कहा हाँ, और लेकिन एक विद्यार्थी ने कहा, वो है ना उठ के खड़ा हो गया और उसने कहा कि इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पर मत पहुंचिए सर। प्रोफेसर ने कहा क्यों? अभी तो सब सब ने कहा कि सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? विद्यार्थी ने कहा सर मैं आपसे छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद आपको बात मान लूंगा। तो प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है तुम पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? तो विद्यार्थी ने कहा सर क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, 100% है, हम ठंड को महसूस करते हैं। विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, ठंड कुछ है ही नहीं, ये असल में गर्मी की अनुपस्थिति का एहसास भर है, जहाँ गर्मी नहीं होती है वहाँ हम ठंड को महसूस करते हैं। प्रोफेसर चुप रहे। विद्यार्थी ने फिर पूछा सर अंधेरे का कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, रात को अंधेरा होता है। विद्यार्थी ने कहा नहीं सर, अंधेरा कुछ होता ही नहीं है, ये तो जहाँ रोशनी नहीं होती है वहाँ अंधेरा होता है। प्रोफेसर ने कहा तुम अपनी बात आगे बढ़ाओ। विद्यार्थी ने फिर कहा सर आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट, प्रकाश और ताप को ही पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क और कोल्ड, अंधेरा और ठंड नहीं पढ़ाते हैं। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय है ही नहीं सर। ठीक इसी तरह ईश्वर ने सिर्फ अच्छा अच्छा बनाया है, अब जहाँ अच्छा नहीं होता है वहाँ हमें बुराई नजर आती है, पर बुराई को ईश्वर ने नहीं बनाया, ये सिर्फ अच्छाई की अनुपस्थिति भर है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये सिर्फ प्यार, विश्वास ईश्वर में हमारी आस्था की कमी का काम है। जिंदगी में जब और जहां मौका मिले अच्छाई बांटिए, अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई होगी ही नहीं। तो हमें हर जगह अच्छाई देखेंगे तो कभी बुराई होगी ही नहीं, क्योंकि वो सत्संगी था, उसने अच्छा ही अच्छा देखा, पॉजिटिव एनर्जी ली, अपने जीवन में ज्ञान को धारा, तो उसने बड़ी सरलता से अपने गुरु को बताया। बाकी ने कहा कि हाँ सब कुछ भगवान ने बनाया, इसलिए परमात्मा पर विश्वास करिए, सत्संग जरूर सुनिए, सत्संग देखिए और अपना जो सोच है उसका दायरा बढ़ाइए, संकीर्ण विचारों को त्यागिए और अच्छे विचारों, हर चीज में अच्छाई देखेंगे तो आप अच्छे अच्छे हो जाओगे। अगर आप हर चीज में बुराई देखोगे तो अपने अंदर बुराई आ जाएगी। तो आज का कहानी का सार यही था कि हमें जिंदगी में सब में अच्छाई देखनी और अच्छाई करना है, तभी है ना हमारा सब अच्छा होते जाएगा। साहिब बंदगी सतनाम परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद।